हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है। तो आप में से किसी का क्वेश्चन था कि आपने रिवीजन कर लिया है, बहुत बार रिवीजन कर लिया, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन गलत होते हैं और गलत होने के बाद आपको बुरा लगता है, तो आप क्या करो, ठीक है। देखो, क्वेश्चन अभी इतना टाइम है, होने दो गलतियाँ, अच्छा है ना। जितनी ज्यादा गलतियां आप अभी कर लोगे तो वहां पर कम होंगी एग्जाम वाले दिन, मतलब 17 दिसंबर को। आपको पता है जो क्वेश्चन आप गलत करते हो ना, वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया था। उसका आपको कभी, जितने क्वेश्चन आप अभी गलत करेंगे उनका कभी भी आपको रिवीजन तो बिल्कुल भी करना नहीं पड़ेगा, वो आपको बिना रिवीजन के याद रहेंगे। आपके दिमाग इतने अच्छे से उसको मतलब याद कर लेता है ना, क्योंकि एक प्रेशर पड़ता है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन जाता है हमारे ब्रेन का, ठीक है, कि आपने कोई गलती की स्पेसिफिक। तो आप जितने भी ज्यादा क्वेश्चन अभी गलत करेंगे उतना ज्यादा ही उन क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रहेंगे और उनका आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो गलतियाँ होने दीजिए, इसीलिए आप कर रहे हो ना, कि गलतियाँ मेन एग्जाम में नहीं हो। अभी जितनी गलतियाँ होना है हो जाए, अभी इतना टाइम है, जम के गलती करिए, रिवीजन करिए और मेन एग्जाम में आपका पेपर बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि आप अभी गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और आपको वो गलतियां याद भी रहेंगी, तो दोबारा रिपीट भी नहीं होंगी। तो आपको यही करना है कि आप जो भी क्वेश्चन अभी गलत होते हैं आपके, तो उनको थोड़ा फाइनलाइज कर लेना, वैसे वो आपको याद ही रहेंगे कि इसका सही आंसर ये है। एक बार आप उसका सही आंसर भी देख लेना, एनालाइज कर लेना, फिर उनकी रिवीजन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप उस किसी भी चीज का पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं, कि आप भी देखिए, आप कोई भी एग्जाम, जैसे आप 17 दिसंबर को या इससे पहले भी आपने प्री दिया होगा और उसमें आपने जो गलतियां की होंगी कभी, तो वो आपको हमेशा याद रहती है कि अरे मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया था, इसका तो ये आंसर होगा। इसको आप कभी भी, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।